Huh? No. सो हेलो वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों हम आ गए अपना मोबाइल का होम स्क्रीन पे और जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में वीडियो देखा था ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो बनाना सिखाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग परफेक्टली समझ पाएंगे और सीख पाएंगे तो इस वीडियो में मैं दो ट्रिक बताया हूँ अगर आप इस वीडियो को स्कीप करते हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे और आपका वीडियो बहुत ही लाइक करेगा आप बना नहीं पाएंगे देखने में बहुत ही सिंपल है बहुत ही कमाल का है देखने में ट्रेंडिंग है बट आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे तो चलिए ध्यान से देखते रहिए उससे पहले बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नया हो पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर आने वाला वीडियो और का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहेगा और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का भी है तो आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सारे का मटेरियल्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले एक फोटो का ज़रूरत होगा जिसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए तो उसके लिए हम ले चलेंगे आपको कोई एक ब्राउज़र में तो चलिए हम अपना ब्राउज़र में चलते हैं गाइस मैंने अपना ब्राउज़र में आ गए हैं अब यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बिजी ठीक है रिमूव डॉट बिजी जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड रिमूव इमेज बैकग्राउंड अब इसको क्लिक कर लेंगे ठीक है इसको, इसको क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है अपलोड इमेज का तो अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर गैलरी आपका बाई डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाते हैं बट अगर आपको ये ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा गैलरी का फोल्डर ओपन हो जाएगा और जहाँ पे भी आपका फ़ोटो है वहाँ से आप अपना फोटो को ऐड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं अपना एक फोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ ये वाला और इसी का बैकग्राउंड हम लोग रिमूव करेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो रहा है ठीक है देख सकते हैं बहुत ही क्लियरफुल बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया एकदम सिर्फ फ़ोटो ही बचा हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब इसको यहाँ से जो डाउनलोड जो दिख रहा है सिंपली ये डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी होगी ठीक है अब आपको ले चलेंगे अलाइट मोशन अप्लीकेशन में और वहाँ पे चल के डिटेल्स में और भी बताएंगे और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूंगा जहाँ पे पूरा क्लियर करके बताया हुआ है कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जाता है एकदम अच्छा तरीका से तो दो ट्रिक है एक ही वीडियो में दो तरीका बताया है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा अब चलिए अलाइट मोशन अप्लीकेशन में ले चलते हैं अब गाइस मैं आ गया मोबाइल का होम स्क्रीन पे फिर से और आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेनी होगी ठीक है इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन मिलता है इसको क्लिक करना है नौ सोलह का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है सेवन ट्वेंटी थर्टी एपिस पे ब्लैक स्क्रीन लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देनी होगी ठीक है अब ऐसे इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाते हैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड वीडियो को ले आनी है जो बैकग्राउंड में रहेगा तो उसके लिए आपको प्लस करेंगे यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों अपना गैलरी से आप जो डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड फोल्डर में रहेगा तो वहाँ से ये बैकग्राउंड वाला पिक्चर जो है वो ले लेंगे सिंपल है बैकग्राउंड वाला देख सकते हैं ये कुछ इस तरीक़े से वीडियो है जो काफ़ी अच्छा लगता है देख सकते हैं आसमान में ये बहुत ही अच्छे से उड़ रहा है और अच्छा लग रहा है ठीक है ये वीडियो आपका आ गया अब आपको करना है कि यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड करना है जो हम लोग फोटो को अभी अभी रिमूव डॉट बीजी से हटाए थे बैकग्राउंड रिमूव किए थे उसी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए भी प्लस करेंगे मीडिया पे जाएंगे और अपना गैलरी से उसको ऐड कर लेंगे तो वो डाउनलोड फाइल में रहेगा जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड फाइल में रहेगा तो इसको यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं इस फ़ोटो को देख सकते हैं फोटो आ गया अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और राइट right से लेफ्ट की तरफ तो हल्का सा आपको इंक्रीज कर देनी होगी ठीक है उससे पहले आपको इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके थोड़ा सा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड वाले को थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके इसको ऊपर में यहाँ पे रख देंगे परफेक्टली यहाँ पे ठीक है अब फोटो पे आपको स्क्रीन पे क्लिक कीजिए आप फोटो पे क्लिक करेंगे और एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर थोड़ा सा जूम वाला ऑप्शन पर जाएंगे सॉरी जूम वाला ऑप्शन पर जाकर थोड़ा सा बड़ा करके और इस एरो पे क्लिक करके इसके मदद से यहाँ पे हम लोग अच्छा से फ़ोटो बीचों बीच में अच्छा से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से ठीक है थोड़ा सा फ़ोटो ऊपर हो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो अब आपको स्क्रीन पे टैप कर देनी होगी ठीक है अब आपको फिर से प्लस करना है ये सेप का जो ऑप्शन दिख रहा है सेब वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा उसके बाद से डिलीट्स के राइट साइड में थ्री डॉट है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर फील्ड कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट कर लेंगे अब ये देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई भी कलर रहेगा तो टेंशन करने वाली कोई भी बात नहीं है अब आपको कलर एंड फील्ड पे क्लिक करनी है ये जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों ये वाला इसको क्लिक कर लेंगे ग्रेडियन कलर पे जैसे ही आप ग्रेडियन कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको दो लाइनिंग मिल जाएगा एक लाइनिंग मिलता है जिसमें जिसमें दो तरीका का कलर होता है इसमें ठीक है तो ये देख सकते हैं एक साइड में ब्लैक है और एक साइड में वाइट है तो वाइट वाले को नीचे में इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से एकदम बीचों बीच में ठीक है और इसको थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रखेंगे परफेक्ट है अब यहाँ पे दो बॉक्स मिल रहा है ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स आपको हटाना है वाइट पार्ट ब्लैक पार्ट को तो ब्लैक बॉक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है अब इसको क्लिक करना है अब इसको यह पॉइंटर को ऊपर से नीचे कर देनी है ठीक है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से यहाँ पे आपका सैडो मिल गया वाइट सैडो ठीक है अब यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार टैप कर दीजिए क्लिक कर दिए हो गया अब आपको यहाँ पे एक फ्लावर का पीएनजी लगाना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजिएगा इसको प्लस करेंगे मीडिया पर जाएंगे और अपना गैलरी से उसको भी ऐड कर लेंगे दोस्तों ठीक है तो चलिए उसको भी हम लोग ये वाला पी को ऐड कर लेते हैं अब ये देख सकते हैं ये पी एन जी आपका आ जाएगा ठीक है आ गया आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और इसको ऊपर से नीचे लेके आके आ कर यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से और जूम करके थोड़ा सा अच्छा से एडजस्टमेंट यहाँ पे करने के लिए थोड़ा सा आपको जूम कर देनी होगी ठीक है देख सकते हैं कुछ इतना जूम करना है और इसको अच्छा से एडजस्ट कर दीजिएगा यहाँ पर परफेक्ट है देख सकते हैं कितना कमाल का लग रहा है हो गया अब स्क्रीन पर एक बार टैप कर दीजिए परफेक्ट है अब इतना काम हो जाने के बाद आपको एक साउंड को ऐड करना है तो प्लस करेंगे यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे और अपना गैलरी से अपना साउंड को भी ऐड कर, कर लेते हैं चलिए अपना साउंड को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं अपना साउंड में अपना लेके आ गया ये वाला साउंड है ये वाला साउंड लेने के बाद आपको फिर से वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देना है फिर से वापस से हो गया इतना काम कंप्लीट हो जाने के अब दोस्तों आपको करना है क्या है स्लाइड करके लास्ट तक जाएंगे इधर में आ जाएंगे और देख सकते हैं जहाँ पे आप जहाँ तक आपका साउंड है उतना पार्ट रखेंगे बाकी पार्ट को यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेंगे ठीक है अब इस फोटो पे क्लिक करेंगे स्पीड पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एरो पे ठीक है अब इस साइडो पर क्लिक करेंगे स्पीड पर जाएंगे और इस एरो पर क्लिक कर लेंगे ठीक है अब फिर से आपको इस फ्लावर वाले पे क्लिक करना है स्पीड पर जाना है और इसको क्लिक कर लेना है सिंपल है अब ये देख सकते हैं इतना काम आपका कंप्लीटली बन के रेडी हो गया ठीक है इतना काम हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा एकदम ध्यान से देखते रहिए इतना काम जब कंप्लीट होगा अब आपको इस वीडियो को एक बार एक्सपर्ट कर लेनी होगी ठीक है तो एक्सपर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक बार वीडियो को एक्सपर्ट कर लेते हैं वीडियो को एक्सपर्ट कर लेने के बाद इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ तक जो नहीं देखे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा वो करते रह जाएंगे और उनका वीडियो लैग करेगा बहुत ही ज़्यादा लैग करेगा वो बना नहीं पाएंगे ठीक है तो यहाँ तक आने के बाद इस वीडियो को एक बार आपको एक्सपर्ट कर लेनी होगी चलिए वीडियो को एक्सपर्ट होने देते हैं तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं यहाँ से देख सकते हैं अब आपका वीडियो जो है मतलब एक्सपर्ट हो गया यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया अब आपको सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी होगी यहाँ से क्लोज कर लेनी है अब यहाँ से बैक कर लेनी है ठीक है बैक कर लेने के बाद फिर से आपको प्लस करनी है और नौ सोलह का ही रेशियो लेंगे सेवन ट्वेंटी थर्टी अप इस ब्लैक स्क्रीन लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा ठीक है और अभी अभी जो हम लोग वीडियो एक्सपर्ट किए हैं उसी वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है तो प्लस करते हैं मीडिया पे जाते हैं तो और अपना गैलरी में से उसी वीडियो को अपलोड कर लेते हैं मतलब ये लेके आएंगे जो हम लोग अभी अभी एक्सपर्ट किए थे तो दोस्तों ये वाला वीडियो हम लोग एक्सपर्ट किए थे इसको ही ले आ गए हैं ठीक है थीके? अब आपको करना है क्या वो ध्यान से देखिए फोटो पर क्लिक करना है यहाँ पर इस वीडियो पर सॉरी क्लिक करना है और इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है एड इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है प्रोड्यूसर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल स्टेडिफाई को क्लिक करना है स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना होगा ठीक है अब पोजीशन में यहाँ पे एक प्लस लगा देनी है और वो एकदम लास्ट वीडियो को लास्ट में एक प्लस लगा देनी है ठीक है अब ये जो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो एक्स वाई जेड तीन ऑप्शन मिलता है आपको वाई वाले पे क्लिक करना है और इसको इधर से बढ़ा के आपको इधर से वन थाउजेंड के करीब में रख देनी होगी ठीक है तो चलिए इधर से हम लोग वन थाउजेंड रख देते हैं परफेक्टली वन थाउजेंड रख सकते हैं हो गया इतना काम आपका यहाँ पे ये यह जाकर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है दोस्तों ठीक है इसके बाद से लास्ट एक स्टेप बच गया है उसका काम है वो भी एक पीएनजी है तो चलिए उस पीएनजी को भी ऐड करते हैं तो उसके लिए भी प्लस करेंगे मीडिया में जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद उस पीएनजी को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो चलिए हम अपना पीएनजी को पहले ऐड कर लेते हैं अब गाइस ये वाला एक पीएनजी है ये इसको मैं ऐड कर लिया हूँ ठीक है ऐड कर लेने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ से फिल कम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट कर देनी है ठीक है इसके बाद से यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट पे क्लिक करना है यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद से कलर एंड लाइट पे जानी है यहाँ से एक्सपोजर एंड गामा को सेलेक्ट कर लेनी होगी ठीक है यहाँ से स्टैंडर्ड से को क्लिक कर लेंगे अब एक्सपोजर को यहाँ से थोड़ा सा आप एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तब आपका कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से यहाँ पे लगेगा ठीक है तो इसको हम लोग एक्सपोजर को पूरा का पूरा वन रख देते हैं अब यही कलर देख सकते हैं अच्छा लग रहा है गामा पे क्लिक करेंगे हल्का सा इधर से डाउन कर देंगे परफेक्टली हो गया अब यहाँ से एक बार स्क्रीन पे टाइप कर देते हैं ठीक है अब इसको स्लाइड करके लास्ट तक रखेंगे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिए स्पीड पे और इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा ठीक है अब ये आपको इसमें अब आप आपको मूवमेंट लगाना है तो अब इस पर क्लिक करते हैं पी वाले पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर शुरू में एक प्लस लगा देंगे ठीक है शुरू में प्लस लगा देने के बाद इसको इस साइड से लेके आएंगे इस साइड से देख सकते हैं इस तरीका से यहाँ पे जो दिख रहा है जहाँ पे ये लास्ट हो जा रहा है ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग पहले ला कर रख देंगे ठीक है अब यहाँ पे इस एरो की मदद से एकदम लास्ट में चले जाएंगे यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे और इसको आप हल्का सा स्वाइप करेंगे इधर थोड़ा सा और इधर रख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा इधर रखेंगे तब आपका मूवमेंट होगा बाद में बाद में हम बताएँगे इसके बाद अब इसको अच्छा से यहाँ पे अच्छा सा अच्छा से हल्का हल्का ऐसे करके स्लाइड करके एकदम लास्ट तक लेके जानी होगी एकदम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम लास्ट तक लेके चले जाएंगे परफेक्टली यहाँ तक जहाँ तक ये अब इधर से लास्ट हो जा रहे है तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यह लास्ट हो जाएगा तो यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे ठीक है अब इसको क्लिक करके होल्ड रखेंगे और लास्ट में रख देंगे ठीक है अब आपका जो वीडियो है पूरा का पूरा बन के कंप्लीट हो गया तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही क्लियरफुल आसान तरीके से इस वीडियो को बनाना आप सीख गए होंगे समझ गए होंगे तो आपको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे और इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वीडियो सेलेक्ट सिलेक्ट रहेगा यहाँ से एक्सपर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों